जय हिंद दोस्तों, अनिल सारे टीचर आपसे बहुत बहुत स्वागत है। इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन बी के पोस्ट में रिक्रूटमेंट निकल के आ चुके हैं दोस्तों, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को जारी किया गया था, जिसका फुल नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है। साथ ही साथ फॉर्म भरने का भी लिंक जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। आपको आज बताने वाले हैं कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरिए पूरा स्टेप बाय स्टेप। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, या आप अनिल सराइटी वेबसाइट पर करियर ऑप्शन पे जाइएगा, ठीक है। नीचे की तरफ जाइए तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इसरो VSSC रिक्रूटमेंट, ITI NEC और डिप्लोमा के लिए टेक्नीशियन बी का वैकेंसी है। इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, और डिप्लोमा के लिए एक अलग से भी वैकेंसी है VSSC की तरफ से, उसका भी फॉर्म भरा रहा, उसको जाकर के अलग से चेकआउट कर लीजिएगा। अभी हम ITI के टेक्नीशियन बी के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। इसका फॉर्म भरने का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से जाइएगा, क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस, एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ से अप्लाई लिंक पे क्लिक करेगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा, यहाँ से आपको फुल नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक दोनों मिल जाएगा। यहाँ पर आप PDF पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे PDF डाउनलोड कर पाएगा फुल नोटिफिकेशन का आपको, और यहाँ से जाइए तो क्लिक हियर टू अप्लाई करेगा तो यहाँ पे अप्लाई हुआ, ठीक है। इसको नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, इसमें सैलरी देखिएगा तो 34,200 आपकी अप्रोक्सीमेटली पर मंथ आपकी सैलरी होने वाली है, ठीक है। इसमें देखिएगा तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। 80 MCQ क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, जिसको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर कोई गलत तो आंसर होता है तो 0.33 मार्क्स कटेंगे और एक नंबर मिलेंगे सही आंसर पे। क्वालिफाई करने के लिए 32 नंबर जनरल को लाना होगा, 24 मार्क्स आपको यहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट OBC ST ST कैंडिडेट को लाना होगा, ठीक है। 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए, जितना भी सीट है उसके 5 गुना। और यहाँ पे देखिएगा ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तो वैसे तो इससे बताया गया कि ये टेम्प्रोरी जॉब है, लेकिन इसको परमानेंट मतलब आगे के लिए कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन ये परमानेंट ही एक तरह का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ये पेमेंट देखिएगा तो फॉर्म भरने का फीस आपको 500 रुपया लगेगा सभी कैंडिडेट का, जो भी फॉर्म भरेगा 500 लगेगा, जिनमें से SC ST और फीमेल के साथ साथ एक सर्विसमैन है या PWD है तो उनका 500 रुपया रिटर्न आ जाएगा। जब वो एग्जाम में रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे, रिटर्न एग्जाम में अपियर हो गए तो उनका 500 रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। और जनरल OBC कैंडिडेट का 400 ही रिफंड आएगा, 100 रुपया उनका फॉर्म का फीस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा बस बताने का मोटिव ये था कि आपको 500 रुपया फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा, और जो जनरल और OBC है उनका 400 रिफंड आया, व बाकी सभी के जो अदर होंगे उनका सभी फीस यहाँ पे रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर्म को भरेंगे कैसे। तो फॉर्म भरने के लिए आपको लिंक जो मिला है यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करें तो आपका फॉर्म अप्लाई होगा। यहाँ पे पहला स्टेज है आपका, यहाँ पर नाम लिखना है तो नाम लिखिए यहाँ पे, और यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। हम इलेक्ट्रीशियन चूज कर लेते हैं और यहाँ पे अपना ईमेल ID इंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ईमेल ID इंटर करने के बाद कैप्चा दिया गया है, उस कैप्चा को इंटर करेगा, और कैप्चा इंटर करने के बाद आपका यहाँ पे इंटर करेगा तो आपके मेल ID पे एक लिंक चला जाएगा। देखिएगा आपके ईमेल ID पर भेज दिया गया है। हम ईमेल ओपन करते हैं तो हमको यहाँ नो रिप्लाई का मेल आया है, इस पर जस्ट हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपको देखिए यहाँ पे दिखाई देगा मेरा नाम, और यहाँ पे सभी चीज़ हम कन्फर्म करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो हमारा फॉर्म भरने का पूरा आ जाएगा यहाँ पे स्टेज पूरा। तो सबसे पहले हमारे देखिए पोस्ट 1490 है, यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखिए तो 1490 यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का 6 सीट है, ठीक है। यहाँ पे हम फोटो अपलोड करेंगे 30 KB में, और यहाँ पे सिग्नेचर 30 KB में, दोनों अलग अलग अपलोड कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ध्यान रखिए फोटो अपलोड करने पहले नोटिफिकेशन भी देख लें, नोटिफिकेशन फोटो के बारे में कुछ बताया गया कि नहीं, बाकी हम यहाँ इसे फोटो को पहले अपलोड करते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको 4 डिटेल फिलअप करना है, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर अदर डिटेल फिलअप करने के बाद पेमेंट करके सबमिट करना होगा। ये अपडेट है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल अपलोड करना है, जिससे आपका पूरा नाम होगा, फिर आपका पिता का नाम होगा, और इसके बाद आपको देखिए डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है इसमें से, फिर उसके बाद जेंडर चूज कर लीजिएगा।
नेशनलिटी इंडियन और रिजर्वेशन और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, और पीडब्ल्यूडी है कि नहीं है उसको सेलेक्ट करें, तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। एक्स सर्विसमैन होंगे तो यस करें, तो नो करिएगा। और बताइए कहीं आप जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं करंटली, तो यस करें, नहीं तो नॉट कर दीजिए। फिर यहाँ पे माइनॉरिटी में आते हैं, या स्पोर्ट्स कैंडिडेट है तो यस करें, नहीं तो स्पोर्ट्स नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बनेंगे, तो पहले इसको फिलअप कर लेते हैं। फिर अगला स्टेप है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम लिखना है, उसके बाद आपको देखिए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे एड्रेस देना है, एड्रेस का नाम पूरा गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पोस्ट सब देना है, और यहाँ पे सिटी का नाम, किस सिटी में रहते हैं, और यहाँ पर आपको स्टेट का नाम। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, और अगर दोनों सेम है तो हम ये ओके करेगा। और यहाँ पे पहले वो गाँव का नाम पहले लिख दीजिएगा, तो हम बक्सर लिख देते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोनों को सेम कर देंगे यहाँ पे, तो ओके दोनों सेम है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट है एग्ज़ाम नेम में 10th पहले इंटर करते हैं, और स्कूल कब पासिंग हुआ था मैट्रिक उसको लिख देंगे। तो हम यहाँ पे 2018 कर देते हैं, बोर्ड लिख देते हैं कौन सा बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था, तो स्टेट बोर्ड कर लेते हैं। कितना परसेंटेज आया था तो उसको लिख देंगे, आउट ऑफ 60 कर देते हैं। उसके बाद हमारा क्वालिफिकेशन में जाएगा, तो ITI इंटर कर दीजिएगा, और यहाँ पे डिसिप्लिन इलेक्ट्रिशियन जो आपका ट्रेड हो सेलेक्ट किए होंगे वही दिखाई देगा। फिर यहाँ पे बोर्ड, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टेट बोर्ड दिखाई दे रहा, तो कोई बोर्ड है नहीं, स्टेट बोर्ड नहीं है आपका। अगर आप यहाँ पे देखिए ITI NTC यहाँ पे 3 तरह का दिखाई देगा। अगर आपके पास NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है तो इस पर क्लिक करेगा ITI, और जैसे कि यहाँ पे ITI तो यहाँ पे NCVT वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पे ITI इंटर कर सेलेक्ट करके यहाँ पे वो अपना स्टेट का यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, स्टेट बिहार स्टेट का है तो बिहार करेंगे। तो यहाँ पे अदर कर दीजिएगा, अदर कर देने के बाद यहाँ पे NCVT टाइप कर दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट अदर होंगे तो यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसके पास है NCVT का, तो NCVT करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बढ़ेंगे यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स, नेम ऑफ द एज इन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में क्या है तो उसको लिख दीजिए। जैसे ITI में इलेक्ट्रिशियन है तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन टाइप कर देते हैं। उसके बाद कितना परसेंटेज आया है तो परसेंटेज सेलेक्ट करके यहाँ पर हम लिख देते हैं 75, तो 75 हो गया। रैंक यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेकेंड थर्ड है तो डू नॉट नो पर क्लिक कर दीजिए, अगर कोई नहीं है तीनों में से तो। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बैंक डिटेल फिलअप करना है, अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट नंबर फिर से, फिर दोबारा, फिर आपका नाम, अकाउंट होल्डर का नेम ताकि पेमेंट आपका आएगा ना, फिर बैंक का नाम, किस बैंक का नाम है, फिर ब्रांच का नाम, और IFSC कोड आपको ये सभी फिलअप कर देना होगा। उसी में आपका जो रिटर्न अमाउंट है वो आपको रिफंड होकर चला आएगा। एक्सपीरियंस देखिएगा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो 0 है तो 0 यहाँ पे इंटर कर दिए, 0 0, ठीक है। आगे बढ़े, रिलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन है तो यस यहाँ पे टाइप कर दे, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे करें मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइन, इफ सेलेक्ट, और सेलेक्ट होते हैं तो मिनिमम कितने महीने के लिए आप ज्वाइन करना चाहेंगे, 1 2 3, ठीक है। ये मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइन, ज्वाइन करने में कितना समय चाहिए, मान लीजिए ज्वाइन और मिलता है तो 1 महीने के अंदर ज्वाइन करिए, 2 महीने के, 3 महीने के अंदर ज्वाइन करिए, ठीक है। तो उसको देख लेना है कितना महीना आपको चाहिए ज्वाइन करने, मान लिया ज्वाइनिंग आया तो कितने महीने बाद आप ज्वाइन करेंगे, तो 1 2 3 जितना आपको इच्छा है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। डू यू अप्टीट तो रिटर्न एग्जाम इन इंग्लिश हिंदी, सॉरी इंग्लिश हिंदी, आप रिटर्न या इंटरव्यू देना चाहते हैं तो यस कर दिए, नहीं तो नो करिए, तो इंग्लिश में होगा। यहाँ पे देखिए टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते तो यस करिए, और ओके करके सबमिट बटन पे क्लिक करिए। हम कुछ भी डिटेल मिस किया तो उसको फिलअप कर देंगे, और फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बैंक डिटेल फिलअप करने बाद आपके यहाँ पे पूछे आप रिव्यू करने के लिए, रिव्यू करिएगा, सबमिट करना, सारा डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे चेक करने बाद आपको देखिए, और सब सही होता है तो आपके यहाँ से कन्फर्म सबमिट पे क्लिक करिए, और एक बार सबमिट कर देंगे तो इसे मोडिफिकेशन अलाउ नहीं है, और यहाँ पे कन्फर्म एंड सबमिट करते हैं। और उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस भरने के लिए बात आ रही है, मेक पेमेंट करने के लिए, और यहाँ पे प्रिंट करना है एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करके आप फॉर्म को प्रिंट आउट कर सकते हैं, और यहाँ से पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से पेमेंट करिए तो यहाँ से 500 रुपया पेमेंट लगेगा, यहाँ से पेमेंट पूछा जाएगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर ये आपका, इसको कॉपी कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए सभी चीज़ जानकारी दी गई, यहाँ पे देखिए तो प्रोसीड टू पेमेंट करिएगा, और ओके करिए। कई सारे यहाँ पे पेमेंट मेथड है,
जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसको पेमेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, आपके पास यूपीआई है, यूपीआई किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चेकआउट कर लिए, पेमेंट कर यहाँ पे ऑप्शन है, 500 रुपये पेमेंट फीस लगेगा और उस पर 400 आपको रिफंड हो जाएगा जनरल ओबीसी को, बाकी अदर कैंडिडेट का फुल रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट आउट कर लीजिए, पेमेंट जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपके स्क्रीन पर पीडीएफ जैसे यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक करते हैं वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट कर लीजिएगा, मिलता है तो अगली जानकारी के साथ। और भी कई सारी वैकेंसी हैं चैनल पर मौजूद है, विजिट करके चेकआउट कर लीजिए। सबसे बम्पर वैकेंसी बार्क की तरफ से आई हुई है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो उसका भी फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, उसका कई सारे कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर दिया है, आप भी अप्लाई कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।